भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सीमेंट फैक्ट्री विवाद में अब अल्ट्राटेक कंपनी भी कूद गई है। कंपनी ट्रक ऑपरेटरों के समर्थन में है और इसके चलते कंपनी ने अपने प्लांट में ट्रकों के माल भाड़े को बढ़ा दिया है। कंपनी ने माल भाड़े को 10.58 रुपए से बढ़ाकर 10.73 कर दिया है। तीसरी सीमेंट कंपनी के इस फैसले के बाद हिमाचल में आंदोलन करते ट्रक ऑपरेटरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। कोर कमेटी के सदस्य रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा माल भाड़े के रेट में बढ़ोतरी करने के बाद अब वे अडानी ग्रुप के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि कंपनी जब तक माल भाड़े को नहीं बढ़ाती है ट्रक ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ 13 फरवरी को एक बार फिर ट्रक ऑपरेटरों की बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बार ट्रक ऑपरेटर मुख्यमंत्री के साथ अकेले बैठक नहीं करना चाहते। ट्रक ऑपरेटरों की मांग है कि सरकार अंबुजा कंपनी प्रबंधकों को भी बैठक के लिए बुलाए ताकि आमने सामने बात करके इस विवाद को सुलझाया जा सके। सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच 2 महीने से जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सरकार भी दोनों पक्षों से अलग अलग बात करके इस विवाद को सुलझाने का काम कर रही है, जिसमें कोई कामयाबी हाथ ही नहीं लग पा रही है। इससे न केवल ट्रक ऑपरेटरों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, बल्कि सरकार और सीमेंट कंपनी को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद को सुलझाने के लिए गठित की गई दूसरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। विवाद को सुलझाने के लिए दाडला घाट ट्रक यूनियन ने 2 टीमें गठित की हैं, जिसमें एक टीम सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेगी तो वहीं दूसरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस विवाद को सुलझाने के लिए उनसे सहयोग मांगेगी। प्लांट्स के ऊपर जो तालाबंदी कंपनी ने गैर कानूनी ढंग से की है वो काफी निंदनीय है और उससे काफी नुकसान प्रदेश के एक्सचेकर पे भी हो रहा है और जनता की आर्थिकी के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कंपनी का जो स्टैंड है कि दाड़लाघाट बरमाना में किराया काफ़ी ज़्यादा है, वो प्रदेश सरकार को भी पता चल जाना चाहिए बैठक में कि दाड़ला बरमाना के किराए कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसी सब डिवीज़न में एक और कंपनी काम कर रही है दाड़लाघाट अर्की कुनिहार सब डिवीज़न में अल्ट्राटेक, जिसने कि अपने किराए कम करने के बजाय उसमें बढ़ोतरी की और 10.73 रुपये कर दिए है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।